Hello and welcome to VLAN. Today we will do session number 5 of export import procedures and documentation, that is, processing of an export order. The topics covered in this session are nature and format of export order, examination and confirmation of export order, manufacturing or procuring goods, central excise clearance, pre shipment inspection. Appointment of clearing and forwarding agents, transportation of goods to port of sh shipment, port formalities and customs clearance, dispatch of documents by forwarding agent to the exporter, certificate of origin and shipment advice, presentation of documents to bank, and claiming export incentives. ना द फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सपोर्ट ऑर्डर होता क्या है उसका फॉर्मेट क्या होता है एक्सपोर्ट ऑर्डर का ना वो प्रोसेसिंग जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर की वो स्टार्ट होती है रिसिप्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर जब हम रिसीव करते हैं कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे पास आया है वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है ना दे शुड बी एन एग्रीमेंट विच इज़ मोस्टली रिड्यूज इन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म एक एग्रीमेंट बनाते हैं जो हम मोस्टली सारे एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बना देते हैं उस एग्रीमेंट को बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड एंड द इम्पोर्टर बिफोर द एक्सपोर्टर कैन स्टार्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स फ्रॉम फॉर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड देयर शिपमेंट इट मीन्स क्या है जैसे ही हमारे पास ऑर्डर uh, आया कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आया तो हम दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म बना देते हैं जो कि uh, बिल्कुल स्टार्टिंग में हो जाता है मतलब इम्पोर्टर इस इस केस में कभी अपनी uh, कुछ भी अपना स्टार्ट नहीं करता ना ही वो कोई अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करता है ना ही कुछ भी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है ना ही शिपमेंट करता है उस सबसे पहले सबसे पहला काम क्या होता है उसमें फॉमेटिंग उसका एक्सपोर्टर uh, में जो है कि वो अपना एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म बना देते हैं जिसको क्या कहते हैं एग्रीमेंट नाउ जनरली एन एक्सपोर्ट ऑर्डर में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स अब एक दर इस तरीके का हो सकता है फर्स्ट इज परफॉर्मा इन वॉयस एक्सेप्टेड एंड साइन बाय द दर्फोर्मा इन वॉयस बना दिया जो एक्सेप्ट accept, एक्सेप्टेड भी है साइन बाय द इंपोर्टर है सेकेंड इज परचेज ऑर्डर एक्सेप्टेड एंड साइन बाय द एक्सपोर्टर जो परचेज ऑर्डर की एक्सपोर्टर तो है वो परचेज कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट परचेज ऑर्डर देगा राइट और इम्पोर्टर जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है तो परफॉर्मा इन वॉइस निकालेगा एंड थर्ड इज लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन बाय द इम्पोर्टर इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर तो दीज आर दी फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स जिसके जैसा हम एक्सपोर्ट ऑर्डर बना सकते हैं

इफ़ एनी द returns a अ of ऑफ दिस to टू exporter एक्सपोर्टर केस में क्या करेगा अगर तो वो सब चीज़ें एक्सपेक्टेड है तो उसको साइन कर देगा अप्रूव कर लेगा लेकिन अगर उसको कुछ भी चीज़ सही नहीं लग रही है उसकी जो कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस उसने दी हैं तो वो वापस एक्सपोर्टर के पास भेज देगा ना सच अ प्रोसेस हेल्प्स इन एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ द एक्सपोर्टर बाय द इम्पोर्टर एंड द कंक्लूजन ऑफ एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इससे क्या होगा जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफर को जो एक्सपोर्टर ने दिया है इम्पोर्टर के द्वारा इम्पोर्टर ने जो एक्सपोर्टर को दिया है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंक्लूड हो जाएगा एक हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर बन जाएगा नाउ सेकंड जो है हमारे पास परचेस ऑर्डर एक्सेप्टेड एंड साइंड बाय एक्सपोर्टर इसमें क्या होता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो जो एक्सपोर्टर है दैट मे बी रिक्वायर्ड टू सेंड परफॉर्मा इनवॉइस फॉर एनी इंटेंडेड शिपमेंट अल्टरनेटिवली द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मे रिक्वायर अ परचेस ऑर्डर टू बी सेंट बाय द इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर क्या कर रहा है वो तो क्या इस केस में क्या होता है इफ़ द परचेज ऑर्डर इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन अगर जो परचेज ऑर्डर उसने भेजा है अगर वो उसके अकॉर्डिंग है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की तो द एक्सपोर्टर विल ड्यूली एक्सेप्टेड तो एक्सपोर्टर क्या जो है इंपोर्टर ने भेजा उसको एक्सेप्ट कर लेगा नाउ अब लेटर ऑफ क्रेडिट वाला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन बाय इंपोर्टर इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर सो इट इंक्लूड्स ओपनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो

ये मेजर जो हमारी टर्म्स और कंडीशन है शिपमेंट की वो बताता है और ये एक्सपोर्टर को इनेबल करता है ताकि वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके एक्सपोर्ट ऑर्डर की तो ये तीन चीज़ें हमारे पास जनरली हैं जैसे कि हम एक्सपोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं क्लियर नाउ वो दी एग्जामिनेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर अब हम अब हमने एक परफॉर्मा तो बना लिया एक एक एक्सपोर्ट ऑर्डर बना लिया हमने परफॉर्मा बना के उसको मतलब अगर उस कंडीशन से हम सेटिस्फाइड है इम्पोर्टर हमारा तो वो उसको ड्यूली साइन कर देगा और एक्सेप्ट कर लेगा अब उसको एग्जामिन किस तरीके से करना है और कन्फर्म कैसे करना है एक्सपोर्ट ऑर्डर को तो एज सून एज दी एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव जैसे ही हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला द एक्सपोर्टर मस्ट फर्स्ट एक्नॉलेज इट्स रिसिप्ट बाई इंस्टीमेटिंग द इम्पोर्टर थ्रू टेलीफोन टेली टेलेक्स एंड फैक्स तो क्या करेगा सबसे पहले काम क्या करेगा uh, जो हमारा एक्सपोर्टर है वो इंटीमेट करेगा इम्पोर्टर को दैन दो नोट लीगली नेसेसरी दिस स्टेप इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग बिजनेस गुड विल फॉर दी एक्सपोर्टर तो हालाँकि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम uh, जब भी हम एक्सपोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर को फ़ोन करके उसको बताना है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया है दिट इज़ नोट नोट अ नेसेसरी पॉइंट लेकिन ये अपनी गुड विल बनाने के लिए बिजनेस की गुडविल बनाने के लिए एक अच्छी चीज़ है न दी एक्सपोर्टर मस्ट केयरफुली एग्जामिन दंटेंट ऑफ दी ऑर्डर टू सी दैट देर इज नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपोर्टर की ड्यूटी है वो उसको ध्यान से एग्जामिन करना है कि जो भी कंटेंट उसमें ऑर्डर में है उसके बीच में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए बिटवीन दी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया है और जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा बना है जो हमारा परफॉर्मा बना है उसके बीच में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए Does the accepted performer invoice, buyer's purchase order, or the letter of uh, credit open in favor of the exporter must be examined? So, these are some of the items to be examined in the export order. फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या क्या प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कैसे कैसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है देन मार्किंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मार्किंग हमें चाहिए क्या क्या लेबलिंग हमें चाहिए उसके ऊपर टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगी करेंसी कौन सी यूज होगी क्रेडिट पीरियड कितना होगा कितने टाइम के लिए हमारे हमारे पास वो चीज़ उधार है क्रेडिट और कितने टाइम में हम उसको uh, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट जो हमने पढ़ा या फिर क्रेडिट पीरियड हमारे पास कितना कितने टाइम हमें उसकी पेमेंट करनी है टर्म्स ऑफ शिपमेंट क्या है इंस्पेक्शन कितनी रिक्वायर्ड है इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें पेमेंट रियलाइज़ करने के लिए एंड लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद दी बैंक लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन क्या है हमारी बैंक के साथ डॉक्यूमेंटेशन की right so there is no specific format uh, of this um, you know confirmatory letter specific format to hai an ordinary letter would serve the purpose although some exporters have printed the letter with suitable blank spaces नाउ द नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरिंग गुड्स अब हमें अब हमारा जब ऑर्डर हमने एग्जामिन कर लिया और हमें देखा है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हम देख चुके हैं अब हमें देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है हमें या हमें गुड्स कैसे प्रोक्योर करना है एम्बोट एक्सपोर्टर को फुलफिल करने के लिए कमिट करने के लिए नाउ द टर्म्स मैंशन इज आर डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फॉर अंडरटेकिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी कौन कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए राइट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को उसके अंडरटेकिंग के लिए उसकी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी शिपमेंट वगैरह जो भी होते हैं हो, सबके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हमें प्री शिपमेंट क्रेडिट कितना चाहिए हमें शिपमेंट करने से पहले कितने हमें पेमेंट करनी है पैकिंग क्रेडिट कितना होगा उसका देन डॉक्यूमेंटेशन uh, जो भी हमारे प्रोसीजरल सिस्टम क्या क्या है उसके लिए फॉर ग्रेंटेड द क्रेडिट बाय बैंक्स जो भी हम बैंक से जो भी हम लोन ले रहे हैं जो हम क्रेडिट ग्रांड करवा रहे हैं पास करवा रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या क्या उसके लिए प्रोसीजरल सिस्टम होगा ना द एक्सपोर्ट ऑर्डर इज़ एक्सपेक्टेड एंड स्टैम्प्ड ये सब चीज़ें हम अगर ये टर्म्स हमारे मेंशन होने चाहिए और ये सब जब मेंशन कर लेते हैं हम तो एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टैम्प लग जाती है उसके ऊपर एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस इज ग्रांटेड राइट right? उसके बाद जो एक्सपोर्ट का जो फाइनेंस जो है वो हम ग्रांटेड हो गए बैंक की तरफ से हमें मिल गया है देन कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर ऑफ द एक्सपोर्टर कि एक्सपोर्टर कित के पास क्या ड्राइंग पावर होगी उसको निकालने की राइट उसकी कैलकुलेशन करना देन रिलीजिंग ऑफ फंड कितना फंड हम रिलीज कर सकते हैं क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स अकाउंट एंड डेबिटिंग टू पैकिंग क्रेडिट अकाउंट राइट देन गुड्स टू बी सेंड थ्रू दी अप्रूव ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो भी गुड्स हम भेज रहे हैं वो वो हम कौन सी मतलब एक अप्रूव ट्रांसपोर्ट एजेंसी से भेजना है हमें किसी भी एजेंसी से हम किसी भी ट्रांसपोर्ट से नहीं भेज सकते या कोई फॉरवर्डिंग एजेंसी होनी चाहिए या कोई अप्रूव ट्रांसपोर्ट एजेंसी होनी चाहिए गुड्स को सेंड करने के लिए नाउ इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस एंड इन ट्रांजिट जो भी इंश्योर जो भी गुड्स हम भेज रहे हैं जो भी हमारे वेयर हाउस में भर है पड़ा है गुड या फिर जो ट्रांसपोर्ट uh, uh, कर रहे हैं हम जिसका जिसको हम भेज रहे हैं उसकी इंश्योरेंस इज वेरी रिक्वायर्ड नाउ व्हाट इज सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस क्या होता है? सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट ऑफ इंडिया एंड द रिलेटेड रूल्स प्रोवाइड द रिफंड ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी पेड, सेंट्रलाइज एक्साइज और सॉल्ट एक्ट जो हमारे इंडिया में है एंड और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो भी हमने एक्साइज ड्यूटी पे करी है उसका रिफ़ंड दिलवाते हैं कौन रिफंड दिलवाते हैं एक्साइज ड्यूटी पेड का सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट ऑफ इंडिया एंड द रिलेटेड रूल्स नाउ इट प्रोवाइड्स रिबेट इन एक्साइज ड्यूटी जैसे कि हम देखा कि एक्साइज ड्यूटी में तो हमें रिबेट रिफंड मिलता ही है टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों पे जो हमारी एक्साइज ड्यूटी लगती है उनका तो हमें रिबेट मिलता ही है एंड इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और जो भी हम इनपुट्स लगा रहे हैं जो भी हमारे रॉ मटेरियल जो भी मशीनरी लग रही है उस पर जो हमारी हमारा जो ड्यूटी लगी एक्साइज ड्यूटी लगी है जो भी इनपुट्स लगे उसका भी जो है हमें रिबेट मिलता है रिफंड मिलता है नाउ द एक्सपोर्टर प्रिपेयर सिक्स कॉपी ऑफ ए आर फोर और ए आर फाइव फॉर्म्स एंड सबमिट एक्सपोर्टर जो है उसने सिक्स कॉपीज बनाई ए आर फोर और ए आर फाइव फॉर्म्स की द एक्सपोर्टर आर नाउ okay the exporters are now allowed to remove the goods for export on their own without getting the goods examined or after the examination by the central excise ऑफिसर कह रहे कि जो भी एक एक्सपोर्टर ने जो सिक्स कॉपीज जो प्रिपेयर करी हैं तो अब एक्सपोर्टर जो है उस वो अपनी मतलब जो भी उसके पास गुड्स पड़े हैं वो उसको एक्सपोर्ट कर सकता है उसको एग्जामिन करवाने की जरूरत नहीं है गुड्स को या फिर वो एग्जामिन करवा के सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर से फिर उसको भेज सकता है इन केस ऑफ विदाउट एग्जामिनेशन अगर गुड्स जो है वो विदाउट एग्जामिनेशन जा रहा है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर उसको चेक नहीं कर रहे हैं इन एनी केस उसके इसमें क्या होता है एक्सपोर्टर सबमिट फोर कॉपीज ऑफ उसमें क्या होता है एक्सपोर्टर चार कॉपी सबमिट करता है ए आर फोर ए आर फाइव फॉर्म की टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज हैविंग जो ओवर द प्रीमिस ऑफ द एक्सपोर्टर विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द रिमूवल ऑफ दी consignment now the एग्जामिन examine फोर एयर फाइव फॉर्म एंड हैविंग बीन सेटिसफाइड साइंस द फॉर्म एंड रिटर्न इट टू दी कंसर्न पर्पज केस में क्या होता है सुपरिनटेंडेंट होता है वो ए आर फोर एयर फाइव फॉर्म जो भी भरा है उन्हें अगर उससे सेटिस्फाइड है तो फिर सेटिसफाइड अगर है तो वो फॉर्म को साइन कर देता है और फिर उसको रिटर्न कर देता है जो भी उससे कंसर्न पर्सन होता है और समटाइम्स कुछ कह ऐसा होता है कि जो एक्सपर्ट एक्सपोर्टर होता है वो डिज़ायर सीलिंग ऑफ गुड्स वो चाहता है कि सील होके आएँ गुड बाई दी सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर जो भी सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स हैं उससे उसे, सी, उसे सील्ड होकर आएँ सो दैट दी कस्टम ऑफिसर्स एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट मे नोट एग्जाम द एक्सपोर्ट को ताकि अगर वो सील्ड हैं तो जो पोर्ट पे हम शिपमेंट पोर्ट जो है वहाँ पे जो हमारे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो भी चेक करते हैं तो अगर वो वहाँ से सील्ड होके आएंगे सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स से तो उसकी दोबारा रीचेकिंग वो नहीं करेंगे सो इन सच केस द एक्सपोर्टर सबमिट ए आर फोर एर फाइव फॉर्म इन सिक्स डुप्लीकेट ऑफ़ दि सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज सेंट्रल एक्साइज हैविंग जूरिस्ट्रिक्शन ऑवर द प्रमिसेज ऑफ द एक्सपोर्ट राइट सो आफ्टर ही सैटिस्फाइड ये लॉज द क्लियरेंस ऑफ कार्को सो दिस वॉज देंट्रल एक्साइज क्लियरेंस कि सेंट्रल एक्साइज से क्लियरेंस कैसे मिलता है जो भी हमारे गुड्स होता है इन चीज़ों की उसमें रिक्वायरमेंट होती है देन कम्स प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या है जब हमारा हमने पिछली साइड में पढ़ा कि सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस हमारा हो गया है अब हमें उसको भेजना है गुड्स को तो उस जो शिपमेंट जाएगी जब हमारा गुड्स वहाँ जा रहा है ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसपोर्ट के थ्रू शिपमेंट हो रही है उससे पहले पहले क्या क्या कर काम करना होता है प्री शिपमेंट उससे पहले क्या क्या हमारी इंस्पेक्शन होती है तो इंडियन कस्टम्स अथॉरिटीज़ विल रिक्वायर सबमिशन ऑफ एन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो इंडियन कस्टम्स जो है हमारे पास उसकी उस जो अथॉरिटीज़ है क्या करती है उसको, उसको रिक्वायर्स दी सबमिशन ऑफ एन इंस्पेक्शन एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कौन इश्यू करता है डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड एजेंसी बिफोर परमिटिंग दिस शिपमेंट टू टेक्सप्रेस की शिपमेंट होने से पहले हम एक उनको सर्टिफिकेट देंगे जो कि क्या है हमारा इंस्पेक्शन Inspec, सर्टिफिकेट और वो कौन देगा एक डेजिग्नेटिड एजेंसीज अब तो इम्पोर्टर्स है स्पेसिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इंस्पेक्शन तो उसमें जो भी इम्पोटर है उसकी स्पेसिफिकेशन मैंशन होगी और किसकी बेसिस पे होगी वो ऑन द बेस ऑफ इंस्पेक्शन नाउ अब इंस्पेक्शन जो हो रहा है गुड्स का मे कंडक्टेड अंडर अब किस किस चीज़ के अंडर उसका इंस्पेक्शन होता है फर्स्ट इज कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन जो भी कंसाइनमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन होता है देन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कैसा है उसका एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन है ये नहीं है तो ये तीनों चीज़ों के बेसिस uh, पे उसका इंस्पेक्शन होता है जो भी गुड्स जा रहे हैं शिपमेंट के थ्रू then uh, notice of uh, uh, notice of uh, inspection is submitted to the agency with the following documents जो भी हमने inspection किया उसका एक notice हम submit कर देते हैं किसको agency को किस-किस uh, document के साथ a copy of commercial invoice जो भी हम हमने commercial invoice बनाया उसकी copy cross check of demand draft as inspection fee उसके साथ हम उसको भी cross check करते demand drafts जो हमारी inspection fee है then a copy of export contract uh, with the importer's tech, uh, technical specification or approved sample तो so, ये चारों चीजें हम चारों documents हम submit करवाते हैं जब हम notice दे रहे हैं inspection का क्या क्या, -क्या चार चीजें हैं सबसे एक तो copy of commercial invoice एक copy of export contract एक cross check demand draft as inspection fee और एक इम्पोर्टर्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ही जो इम्पोर्टर है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है और उसका अप्रूव्ड सैंपल सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंस्पेक्शन जब ये इंस्पेक्शन खत्म हो जाता है प्री शिपमेंट वाला जो एक्सपोर्टर इंस्पेक्शन एजेंसी है विल इशू द इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इन टिप्लीकेट तो एक्सपोर्टर एजेंसी इंस्पेक्शन एजेंसी जो एक्सपोर्टर की वो क्या करेगी एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट उसको इशू कर देगी नाओ अब आ, जब हमारा प्रीशिपमेंट इंस्पेक्शन हो गया है सारा उसके बाद हमारा क्या जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स अब हमारे क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स के लिए हमें हम हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे नाउ शिपमेंट इंस्ट्रक्शंस इशुद बाय दी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी हमें शिपमेंट इंस्ट्रक्शंस मिलती है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू आफ्टर अपॉइंटिंग अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जब हम एक अपॉइंट कर लेते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स ट्यू साइन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ डिस्पैचवाइस अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते क्या हैं दे दे देसो नोन एज फ्राइट फॉरवर्डर्स इसको हम फ्राइट फॉरवर्डर्स uh, भी कहते हैं इट वो क्या करते हैं इट परफॉर्म्स ऑफ फंक्शन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर ये जो एजेंट होते हैं हमारे क्लियरिंग और फॉरवर्ड एजेंट्स ये क्या करते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं किसके बिहाफ पे एक्सपोर्टर के बिहाफ पे ना दे प्रोवाइड स्पेशलाइज हेल्प इन दी एक्सपोर्टर्स वेयर हाउस टू द इम्पोर्टर्स वेयर हाउस बाई अंडरटेकिंग द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ ये क्या करते हैं जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स uh, के वेयर हाउस से लेकर इंपोर्टर के वेयर हाउस तक जो भी सामान जा रहा है उसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज मतलब उनटिविटीज़ होती है उसमें हेल्प करते हैं कैसे कैसे पायरिंग जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए और जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारा करते हैं तो जैसे कि हम हम हर चीज़ में देखते हैं जो भी हमारे एजेंट्स बने होते हैं जनरली उनका काम क्या होता है वी पे देम फॉर डूइंग ऑल दी यू नो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ तो इस केस में शिपिंग के केस में भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के केस में भी ऐसा ही होता है हम कुछ क्लियरिंग एंड ये एजेंट्स हम अपने बना लेते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो हमारा हमारा एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से लेकर इम्पोर्टर के वेराउस तक जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर्स हैं वो सब लोग ये लोग देखते हैं देन ही हेल्प्स इन पैकिंग मार्किंग एंड लेबलिंग वही सब जो भी इसमें आ गया जो भी हम अब एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से उठा रहे हैं तो उसको पैक करेंगे उसकी मार्किंग करेंगे लेबलिंग करेंगे कंसाइनमेंट की अरेंजमेंट करेंगे ट्रांसपोर्ट का कि किस पोर्ट से वो जाएगा अरेंजमेंट फॉर शिपमेंट ओवरसीज कस्टम क्लियरेंस ऑफ कार्गो प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ये सब जो हमारे काम है कौन करवाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हाउवर जो मेन फंक्शन है एजेंट का इज टू अपटेन कस्टम क्लियरेंस ऑफ गुड्स मेजरली क्या होता है हमें कस्टम क्लियरेंस चाहिए होती है गुड्स की शिप दें और उसको शिपिंग करवा दो एंड प्रक्योर द रेलिवेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दैट इज बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल तो मेजरली जो उसका पर्पज होता है वो यही होता है नाउ दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास भी जो, जो भी डॉक्यूमेंट सारे कुछ सारी डिटेल्स सा आ जाती है हमारे पास ऑफ द एक्सपोर्टर एज वेल एज डिटेल ऑफ़ कंसाइनमेंट टू बी शिप्ड नाउ जैसे कि हमने uh, पढ़ा पहले कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है हमारे पास uh, इसमें नाउ uh, uh, इसमें जो हम रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स इसमें हमारे पास uh, कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपना डिस्पैच करते हैं लाइक रेलवे और रेलवे रिसिप्ट हमारे पास होनी चाहिए एजेंट्स के पास इन्वॉइस होना चाहिए ए आर फोर ए आर फाइव फॉर्म औरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों होने चाहिए राइट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल तो ये सब कुछ चीज़ें इनके पास होनी चाहिए नाउ अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंड टू द एजेंट इसके साथ एजेंट के पास हमारे पास कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं द कमर्शियल इन होना चाहिए पैकिंग लिस्ट ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट रेलवे रिसिप्ट इन वॉयस ए आर फोर ए आर फाइव फॉर्म जी आर फॉर्म इन औरजिनल एंड डुप्लीकेट तो ये सब कुछ ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास हैं जो हमें एजेंट को भेजने हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का अपने टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट जहाँ से इसकी शिपमेंट होनी है वहाँ तक उस पोर्ट तक हमें पहुँचाना है तो इसमें इसकी इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं पैकिंग मार्किंग लेबलिंग ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स इधर बाय रोड और रेल पहले तो हम उसको उसके एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से उठाएँगे उसको पैक करेंगे मार्क करेंगे लेबल करेंगे कंसाइनमेंट को right? फिर उसका अरेंजमेंट करेंगे कैसे उसको रोड से वहाँ तक पोर्ट तक लेके जाना है या रेल से लेके जाना है राइट फिर इशूइंग कराएंगे हम शिपिंग ऑर्डर को इशू करवाएंगे कि हमारे पास शिपमेंट का ऑर्डर है भी कि नहीं है फिर हम अरेंजमेंट करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द पोर्ट नाउ अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड टू द बुकिंग रेलवे यार्ड और स्टेशन जो भी हम रेलवे यार्ड के थ्रू जिसके भी स्टेशन के थ्रू जब हम भेज रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें उन्हें देने होते हैं फर्स्ट इज फॉर्वर्डिंग नोट दैट इज अ रेलवे डॉक्यूमेंट अ शिपिंग ऑर्डर में इसमें एज अ प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस भाई हमें शिपिंग ऑर्डर भी साथ में भेजना पड़ता है वो एक चीज़ का प्रूफ होता है कि हमारा हमारा शिपिंग स्पेस वहाँ पे है एंड लाश वेगन रजिस्ट्रेशन फी रिसीट तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें भेजनी है आफ्टर वेगन हैव बीन अलॉटेड जब वैगन अलॉट हो जाते हैं गुड्स आर लोडेड फॉर विच रेलवेज विच इशू रेलवे रिसीट Uh, वेगन से लॉडोगे गुड्स हमने उसमें लोड कर दिया रेलवे uh, जो है वो रेलवे रिसिप्ट इशू कर देगा अपनी दिस रिसिप्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट इज सेंड टू क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है हमारी रेलवे रिसिप्ट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जैसे हमने पढ़ा है हम एजेंट के पास भेज देंगे इस स्टेज पे क्या होगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मेक्स एन एप्लीकेशन द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द इंश्योरेंस कवर तो उस उतने में इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कवर बना देगी एंड ऑपटेन्स इंश्योरेंस पॉलिसी डुप्लीकेट विद एप्रोप्रिएट रिस्क कवरेज नाउ दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू दोर्ट एंड शिपमेंट अब पोर्ट पर पहुंच गया गुड्स अब वहाँ पर पोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ क्या है और कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है अब ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टम कंट्रोल का इट इज़ ट्रांसफ्री ऑफ गुड इन कॉम्प्लेंस विद द डिफरेंट लॉज कंसर्निंग एक्सपोर्ट रेड कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे गुड्स क्या क्या कम्प्लायंस uh, है हमें डिफरेंट लॉज कौन कौन से हैं जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या लॉ डिफरेंट लॉज हमें कंसर्न करने हैं फॉलो करने हैं चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना राइट टू कंपाइल डेटा ऑन कार्गो मूवमेंट जो भी हमारे कार्गो मूवमेंट्स हो रहे हैं उस डेटा को कंपाइल करना राइट टू करेक्टली असेस एंड कलेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी लग रही है तो उसको करेक्टली असेस करना है कितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी लगनी है राइट एंड देन द्लियरिंग एंड फॉर्विंग एजेंट इज टू फाइल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद द कस्टम्स हाउस तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को क्या क्या चीजें फाइल करनी चाहिए शिपिंग बिल होना चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए कमर्शियल इन्वॉइस होना चाहिए जी फॉर्म होना चाहिए पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स नीडेड बाई दी कस्टम्स नाओ Uh, जैसे कि हमने ये पढ़ लिया ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट विच कस्टम्स गिव क्लियरेंस इस इन इन पे इन डॉक्यूमेंट्स पे हमें कस्टम क्लियरेंस चाहिए एक्सपोर्टिंग के लिए uh, जो कि हमने डिस्कस करा है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए जी फॉर्म होना चाहिए पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए नाउ The of by agent to the अब जो हमने फॉरवर्डिंग एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए अब वो कैसे ना आफ्टर ओपनिंग द बिल ऑफ लेडिंग फ्रॉम शिपिंग कंपनी जब हम शिपिंग कंपनी ने बिल ऑफ लेडिंग दे दिया है द एजेंट सेंस दॉक्यूमेंट टू द एक्सपोर्टर अब एजेंट जो है वो एक्सपोर्टर के पास ये सब डॉक्यूमेंट भेजेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजेगा एक्सपोर्टर के पास वन कॉपी ऑफ कमर्शियल इन राइट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टम जो कस्टम ने अटेस्ट करके कर दिया उसकी एक कॉपी कमर्शियल इन की एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी ऑफ शिपिंग बिल की एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी शिप ड्रॉबैक कॉपी शिपिंग बिल की फुल सेट ऑफ क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग जिनल लेटर ऑफ क्रेडिट या कॉन्टैक्ट ऑर्डर जो भी बना उसकी ओरिजिनल कॉपी देन कॉपीज ऑफ कस्टम ए आर फोर ए आर फाइव इन डुप्लीकेट एंड इन वॉयस एंड जी आर फॉर्म ना हो दर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एंड शिपमेंट अब अब हमें क्या चाहिए जो हमारा सर्टिफिकेट बन जाएगा ओरिजिन का और शिपमेंट एडवाइस जो भी हमारे पास है तो ये कह रहा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट जब हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं तो एक्सपोर्टर के पास पहुंच गया अब एक्सपोर्टर क्या करेगा एक एप्लीकेशन बनाएगा बनाएगा देगा किसको देगा एप्लीकेशन टू द चेंबर ऑफ कॉमर्स को ठीक है एंड ऑप्टेंस वहाँ से क्या ले लेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन इन डुप्लीकेट राइट सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट शिपमेंट टू कंट्रीज ऑफरिंग जी एस पी कंसेशन द जी एस पी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन विल हैव टू बी प्रोक्योर्ड नाउ हो द एक्सपोर्टर दैन सेंट शिपमेंट एडवाइस जब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन आ जाएगा तो एक्सपोर्टर क्या करेगा शिपमेंट एडवाइस भेजेगा इम्पोर्टर के पास इंटीमेटिंग द डेट ऑफ शिपमेंट की बता रहा है कि डेट ऑफ शिपमेंट क्या है ऑफ कंसाइनमेंट बाई अ नेम्ड वेसल और उसकी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल क्या होगा डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा

देन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बैंक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको बैंक में प्रेजेंट करने हैं एक्सपोर्टर प्रेजेंट दॉक्यूमेंट्स कमर्शियल इनवॉय सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन कस्टम इन जी आर फॉर्म पैकिंग फुल सेट ऑफ क्लीन ऑन बोर्ड और बिल ऑफ लेडिंग एंड एडिशनल कॉपीज ऑफ कमर्शियल इन वॉयस फॉर सर्टिफिकेशन बाय द बैंक अदर देन दिस एक्सपोर्टर प्रेजेंट दिल ऑफ एक्सचेंज द मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी

Excise rebate and the second is ड्यूटी ड्रॉबैक तो एक्साइज रिपीट में क्या होता है आफ्टर कंप्लीटिंग दी पोस्ट शिपमेंट फॉर्मेलिटी जब हमने पोस्ट शिपमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लिए हैं तो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट विल फाइल दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद दी मेरेटाइम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर और जुरिस्टिक्शन असिस्टेंट अब ये काम भी कौन करेगा क्लेमिंग का क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे मेरेटाइम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर को देंगे नाउ कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी As the case may be, AR4 uh, AR or AR5 form in duplicate copy, uh, which has been certified by the customs preventive officer, and non negotiable copy of the bill of lading or shipping bill certified by the customs preventive officer. सेकेंड इज ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या होता है ड्यूटी uh, ड्रॉबैक अगर हमें क्लेम करना है तो एक्सपोर्टर एजेंट जो है विल फाइल दी कस्टम टेस्टेड कॉपी ऑफ द ड्रॉबैक शिपिंग बिल जो कस्टमर कस्टमस टेस्टेड कॉपी है वो फाइल uh, करेगा उसमें एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर एजेंट एक्सपोर्टर का एजेंट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हाथ में लगाएगा एक तो ड्रॉबैक क्लेम पर फॉर्म आ देगा जो कि प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है फाइव कॉपीज उसकी Bank or customs certified copy of commercial invoice, non negotiable copy of bill of lading, and any other specifically prescribed document. नाओ एज वी हैव डन टूडेज़ कैसे कैसे हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है प्रोसेसिंग क्या होती है एक्सपोर्ट ऑर्डर की सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेचर क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होता है एग्जामिनेशन कैसे करते हैं हम उसको कन्फर्मेशन कहते कैसे करते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर का कैसे हम मैन्यूफैक्चर करते हैं प्रोक्योर करते हैं गुड्स को कहाँ कहाँ से लाने हैं सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस सेंट्रल uh, एक्साइज से कैसे क्लियरेंस करवानी है प्री प्री शिपमेंट एक इंस्पेक्शन uh, में क्या क्या आएगा हमारा कैसे कैसे होता है देन फिर अपॉइंटमेंट कैसे अपॉइंट करना है हमें अपने एजेंट्स को क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को फिर कैसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है हमारे पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक अपने गुड्स को फिर जब पोर्ट ऑफ शिपमेंट पर पहुँच गए तो वहाँ पर पोर्ट फॉर्मेलिटीज़ कैसे होंगी कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा उसके बाद डिस्पैच कैसे करना है हमें डॉक्यूमेंट्स को बाय फॉरवर्डिंग एजेंट टू दी एक्सपोर्टर फॉरवर्डिंग एजेंट कैसे एक्सपोर्टर को भेजेगा जब एक्सपोर्टर के पास पहुंच जाएंगे तो वो कैसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन निकालेगा शिपमेंट एडवाइस कैसे देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रेजेंट करने हैं और कैसे कैसे अपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव को वो क्लेम कर सकता है तो ये पूरा प्रोसेस आज हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे हम एक एक्सपोर्ट ऑर्डर की प्रोसेसिंग क्या क्या होती है सो नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू फर्स्ट इज लिस्ट टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट एंड द सेकेंड इज फिल द ब्लैंक्स बफोर इन इज एक्सेप्टेड एंड साइंड बाय दैट The pre-shipment credit is given on the basis of dash export order. AR4 form is filled in dash copies. Dash is issued after goods have been loaded into the rail wagon. So you have to fill up these dashes and uh, uh, do these questions. That's all for today's sessions. Thank you so much. Happy B learning.